वेलकम टू फास्ट ऑटोमोबाइल चैनल। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा एक्सेसरीज के बारे में, फॉल्ट क्लस्टर ऑडोमीटर में फॉल्ट क्या आता था। एंड मैं 1 से 10 की स्पीड पे चला रहा हूँ और मुझे स्पीड मिल रहा है 15.7 के लगभग, तो एवरेज इसमें कम नहीं होती है। बट उसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है कि अगर मैं कंसिस्टेंसी ये गाड़ी ऐसे चलाता हूँ तो उसमें एक प्रॉब्लम आता है, मेरे क्लस्टर हेड में फॉल्ट आता है एफ, और राइट हैंड साइड के आरपीएम मीटर में एक मेंटेनेंस का सिंबल आता है। तो अभी जस्ट आप देखेंगे एक इमेज आने वाली है, इस इमेज में आप देखोगे एक मेंटेनेंस का सिंबल एंड मेंटेनेंस का एक सिंबल आ रहा है ऑरेंज कलर का, और मिडल में एफ करके आ रहा है इंस्टेड ऑफ 6। इट इज ये वाला लॉक है, और अभी ये रिमोट की को मैं 5 सेकेंड दबाने वाला हूँ और ये खुल जाएगा। ओके, ध्यान रखिए, 1 2 3 4 5, यानी खुल गया। तो इससे बूट स्पेस खुल जाता है। तो मैंने बूट स्पेस में अगर आए तो हम देख लेंगे कि बूट स्पेस में मैंने फ्लोरिंग किया है ग्रे कलर का। ओके, देखिए इसमें स्टेपनी वगैरह सब पड़ा है। तो ये पहले जो था वो ब्लैक कलर का था इस तरह से, बट अभी मैंने ये फ्लोरिंग ग्रे कलर का किया है। और ये पार्शल ट्रे जो है, जो मैंने एक्स्ट्रा मंगाया, जो एक्सएम में आता नहीं है, एक्सएम में जो पार्शल ट्रे आप देख सकते हो कि कैसा ओरिजिनल पार्शल ट्रे मैंने टाटा शोरूम से मंगाया है। अभी हम गाड़ी के अंदर जाते हैं बैक सीट पे, और यहाँ पे देखिए मैंने जो लेदर सीट कवर किया है, ये जो लेदर सीट आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, होप सो द वीडियो इज गुड। और इसमें अगर ये लेदर सीट मैंने बैठा है फिट एंड फाइन। और इसमें जो मैटिंग किया है ग्रे कलर का, नीचे अगर देख सकते हो पूरा ग्रे कलर का मैटिंग किया है, पूरा ग्रे कलर का मैटिंग। और उसमें मैंने ये रबर का टाटा नेक्सॉन से ही खरीदा है, जिसकी प्राइस है 28 रुपये। ये रबर मैटिंग ओनली 28 रुपये का है, जो पीछे और आगे भी बैठा है। तो अभी हम आगे के लेदर सीट चेक करते हैं और फ्लोरिंग चेक करते हैं। ये है आगे के फ्रंट लेदर सीट, आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तरह से फिट एंड फिनिश, काफ़ी अच्छी तरह से बैठा गया है। और यहाँ पे भी लेदर सीट सेकंड सीट का तुम देख सकते हो, और सेम जैसे पीछे फ्लोरिंग किया था वैसे आगे भी किया है, बूट स्पेस में भी किया है। आप अच्छी तरह से फ्लोरिंग देख रहे हो, थोड़ी सी मिट्टी है, मैं बाद में साफ कर लूँगा। देखिए नेक्सॉन के रबर मैट है। अभी हम थोड़ा सा क्लस्टर की तरफ चलते हैं। अभी मैंने नासिक टू पूना अंदर ही हाईवे में हूँ, और पूना के अभी 60-70 किलोमीटर बाकी है। तो उसमें ओडोमीटर दिखा रहा है, दो सौ 23 किलोमीटर मैं चल के आया हूँ, और उसमें देख रहा है कि 15.2 का एवरेज माइलेज मुझे मिला है। ठीक है, तो अभी ये कम्प्लीटली मैंने स्पोर्ट मोड पे ही चलाया और मुझे अच्छी तरह से 15.2 मिला है। और इसमें सिटी इंक्लूडिंग हाईवे है, तो उसमें 30% मेरा जाता है सिटी में और रिमेनिंग 70% जाता है हाईवे पे। तो काफ़ी अच्छी तरह से दोनों का मिलके मुझे 15.2 मिला है किलोमीटर पर लीटर माइलेज। और शायद मैं ये कम्प्लीटली हाईवे पे लेता था तो शायद 16.6 किलोमीटर पर लीटर एवरेज मुझे मिलता है, और इसके ऊपर मुझे अभी तक मिला नहीं है। मैंने गाड़ी अच्छी तरह से चलाया, जैसे चलाते कहीं हार्ड एंड फास्ट ब्रेक नहीं लगाया, और कहीं एक्सलेटर मैंने जोर से नहीं किया, और शायद अभी पहला सर्विसिंग बाकी है। तो शायद नेक्स्ट सर्विसिंग से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाए। अगर मेरा ओडोमीटर अगर देखोगे तो उसमें 1407 किलोमीटर अभी तक हुआ है। तो सर्विसिंग 2000 किलोमीटर के पहले करना पड़ता है, 1000 से लेके 2000 तक का टाटा नेक्सॉन का, तो एज पर द सर्विसिंग स्टैंडर्ड। तो थैंक यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ मेरा वीडियो देखने के लिए, और मैं आशा रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मेरे वीडियो को लाइक करोगे, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और मुझे कमेंट छोड़िए कि आपको ये क्यों अच्छा नहीं लगा। ओके, थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल लेके आऊँगा टाटा नेक्सॉन के बारे में, बहुत सारी नई नई बातें टाटा नेक्सॉन के बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।